हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनू। मैथ्स मेनू में आपका स्वागत है। आज हम कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल देख बनाने जा रहे हैं, और ये जो है मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है, और समझिए तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। चैप्टर का सबसे पहला न्यूमेरिकल अगर मानिए तो यही होता है। तो चलिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए, तो आगे चलते हैं, बिना समय गवाए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो भी डाटा इसमें दिया रहे उस डाटा को पहले लिख लीजिए। अगर डाटा आप लिख लीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल बनाने में, और ऐसे बनाइएगा तो पढ़ते रह जाइएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है। त्वरण, त्वरण को ए से सूचित करते हैं, ए मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हो गया, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर है। प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यू बराबर 100 मीटर हो गया। बोल रहा है कि प्रारंभिक वेग 100 मीटर है, कितने समय के बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। कितने समय के बाद वेग दोगुना हो जाएगा, मतलब पहले 100 था, दोगुना हो जाएगा, मतलब भी का मान दोगुना, मतलब 200 हो जाएगा। कितने समय के बाद, यहाँ पे देखना है कितने समय, मतलब जो कितने पूछ रहा है कि कितने समय बाद। तो टी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि टी कितने समय के बाद दोगुना हो जाएगा वेग। अब देखेंगे, अब यहाँ पर हम पहले डाटा लिख लिए, देखेंगे यहाँ क्या है, ए है, यहाँ यू है, यहाँ बी है, यहाँ टी है। अब हम इस फार्मूला में देखें, ये फार्मूला जो है गति का पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है। इसी तीनों समीकरण में से गति चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन। तो देखेंगे कि भी ए यू भी और टी कहाँ पे है, तो इसमें देखेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें तो ए है, भी है, यू है, मगर एक टू एस एक्स्ट्रा आ गया, एस तो यहाँ है नहीं, नहीं पूछ रहा। यहाँ देखिए एस है, यू है, टी है, और देखिए यहाँ एस भी एक्स्ट्रा आ गया, एस तो यहाँ पूछ नहीं रहा है। यहाँ देखिए भी है, भी है, यू है, यू है, ए है, ए है, और टी पूछ रहा है, तो टी भी है। तो इससे हमको पता चला क्या कि ये पहला समीकरण ही लगेगा इसमें। तो लगाएंगे फार्मूला, पहला होता है भी बराबर यू प्लस ए टी। यू भी का मान कितना है, 200। यू का मान कितना है, यू का मान हो गया 100 100। प्लस एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर टी। अब देखिए ये प्लस में है, प्लस को इधर लाएंगे, 100 को इधर लाएंगे, तो 200 माइनस 100 बराबर 10 टी हुआ। अब 200 में से 100 गया तो 100 बचा, 100 बच गया, यहाँ पे 10 टी हो गया। अब 10 से एक 10 कट जाएगा, 10 दही का 100, मतलब टी का मान कितना आ गया, 100, सॉरी टी का मान आ गया 10 टी, ठीक है, 10 सेकंड आ गया। तो 10 सेकंड यहाँ ये आंसर हो जाएगा, 10 सेकंड। लेकिन अगर आपको इस सवाल का नॉलेज है, बनाने आता है, आप जानते हैं कि जो समय जो है, यहाँ देखिए यहाँ भी लोचा है, यहाँ 10 मिनट है, 10 सेकंड है, 10 आवर है, 20 मिनट है। अगर आपको पता रहता कि सेकंड में आंसर निकलता है, मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड में समय निकलता है, तो यहाँ देखिए सेकंड में एक ही ऑप्शन है, आप बिना बनाए भी इसको मार सकते थे, बिना बनाए हुए, बिना सॉल्व किए हुए इसको मार देते और आपका आंसर सही हो जाता। तो इसके लिए पहले बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो आप आंसर मार सकते हैं। ऐसे बिना देखे हुए आंसर नहीं मार सकते हैं, पहले बनाइए फिर सीखिए फिर आंसर मारिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि अगर बेल आइकन दबा दीजिएगा तो मेरा हम जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे वो आप तक चला जाएगा।